जिंदा मौत से पंगे लेना कोई इनसे सीखे, चूल भी ऐसी कि पूछो मत। तैयार हो जाइए कुछ ऐसे लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने जीते जी मौत को भी इतनी उंगली की कि मौत का भी दम घुटने लग गया। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। किसी धार्मिक स्थलों पर जाना या वहां के रिचुअल्स को फॉलो करना ये बहुत ही आम सी बात है, लेकिन ऐसे ही किसी रिचुअल को फॉलो करना एक लेडी को बहुत महंगा पड़ गया। ये मैडम जी किसी मंदिर में आई थी जहाँ इस विशेष जगह के नीचे से निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है, मगर इस लेडी ने इसके नीचे जाने से पहले जरा अपनी पतली कमर पर नजर कर ली होती तो शायद उसके साथ आज ऐसा ना होता। ये जैसे तैसे इसके नीचे अकेली घुस तो गई, लेकिन इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए पूरी पलटन को बुलाना पड़ा। इसकी पतली कमर इतनी पतली थी कि इस छोटी सी जगह में वो फंस गई। देर ही सही, मगर लोगों ने कभी तेल लगाकर तो कभी जोर लगाकर आखिर इसे यहाँ से बाहर निकाल ही लिया। वैसे इस कांड से आप क्या समझे कमेंट करके बताना। कहते हैं ना कि कुछ लोगों को चूल होती है कुछ अलग करने की, ऐसी चूल ने इस लड़की की अच्छे से बैंड बजा दी। जहाँ ये लड़की किसी फेंस को पार करके जाना होता है, वहीं इसके अंदर के कीड़े ने इसे कुछ अलग करने की बात पर जोर दिया। इन मैडम जी ने इस कीड़े की बात मान ली और खुद को इस फेंस के नीचे उसेड़ दिया। और अब क्या, ये फेंस के नीचे इतनी जगह थी कहाँ जो ये मैडम जी और इनका यहाँ से निकल सके। बावजूद इसके चूल ऐसी कि आखिर में इसने खुद का मजाक बनाकर ही दम लिया। वैसे आप लोगों को क्या लगता है ये बाद में इसके नीचे से कैसे निकली होंगी, सोचो सोचो। स्टंट राइडर तो आपने अपनी लाइफ में कई बार देखे होंगे, लेकिन ऐसा स्टंट राइडर आपने शायद ही पहले को भी देखा हो। ये मोहतरमा न जाने आज घर से कौन सा पराठा खाकर निकली है जो यमराज को उंगली करने चली है। बीच सड़क पर इस मैडम ने जो स्टंट दिखाया, आहा, देखकर स्वाद ही आ गया। क्या कमाल की राइडर है यार। हो सकता है ऐसी राइडिंग तो लड़के भी ना कर पाए, लेकिन कोई इन मैडम जी को समझाओ कि यमराज जी को उंगली करना सेहत के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। बस एक बार मिस बैलेंसिंग की तो बात है, उसके बाद ना तो मैडम जी दिखेंगी ना उनकी बाइक। वो फैंस के नीचे खुद को और खुद के को फंसाने वाली पहली मूर्ख लड़की नहीं थी, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं भाई। इन मैडम जी के भी अंदर लास्ट मोहतरमा की तरह कीड़ा दौड़ता है जो इसको कुछ अनोखा कारनामा करने पर मजबूर करता है, लेकिन इसे कहां पता था कि कारनामा करने के चक्कर में आज यहां हंगामा हो जाएगा। ये मैडम जी भी इस गेट के आजू बाजू से सलाम करके जा सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने तो आज कांड करने की कसम खा रखी थी और खुद को इस फेंस में ऐसे फंसा लिया कि इसे बाहर निकालने वाला भी शर्मा जाए। खैर बाद में कुछ लोग तेल लेकर आते हैं और फिर क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। हिप्पोज देखे हैं कि आप लोगों ने, नहीं देखा तो आप इनको किसी जू में या डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस में देख सकते हैं, जिनका विशालकाय शरीर और मजबूत जबड़ा देखने भर से ही फट जाती है। लेकिन इन अंकल जी ने पता नहीं कौन सी बीड़ी का नशा कर रखा है जो इनको इतना बड़ा हिप्पो भी कोई बकरी जैसा लग रहा है। ये हिप्पो यहाँ जू में पानी से निकल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था कि ये गार्ड अंकल आगे आकर इसको थप्पड़ मार देते हैं, जैसे हिप्पो नहीं इसके घर का कोई बच्चा हो। सही है भाई, इन अंकल जी का स्वैग ही अलग है, जिसको देखकर हिप्पो भी सोचा होगा भाई मत पंगे ले, कहीं लेने के दिन पड़ जाएंगे तेरे को। इस दुनिया में बेवकूफ और मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढने चलो हजार मिल जाएंगे। और ये भाई साहब भी उसी लिफ्ट में आते हैं, अपनी बाइक से जाते हुए इनके रास्ते में पानी का तेज बहाव आ गया, लेकिन मजाल है जो कोई इसे रोक पाए। कुछ देर तक दूर खड़े होकर इसने सोच लिया कि आज कुछ तूफानी करते हैं और चल पड़ा। ये तो इस भाई साहब की किस्मत ने इसका अच्छा साथ दे दिया जो ये पानी के साथ बहा नहीं, वरना एक गलती और ऐसा मूर्ख स्टेप इसको खाई में धकेल सकता था। इसलिए आप ऐसी मूर्खता कभी मत करना। कुछ लोगों अपनी लाइफ के साथ खेलने में बड़ी किक मिलती है, एक बार देखना जरा इसे।
बर्फ के नीचे जाकर इधर से उधर निकलकर क्या उखाड़ लोगे भाई। ये तो अच्छा था कि ऊपर आने का रास्ता मिल गया, नहीं तो किक के चक्कर में आज लोग चार कंधों पर ले जाते। ये भाई लोग सही गाना। फिल्मों में तो आपने गुंडों के पीछे किसी पुलिस को दौड़ते भागते कई बार देखा होगा, लेकिन असलियत में ये सब कैसा दिखता होगा इसका असली नमूना भी आप लोगों को आज दिखाई देते हैं। ये छोटा नादान परिंदा कुछ कांड करके बाइक से भाग रहा होता है, लेकिन इसके पीछे आज असली पुलिस वाला पड़ जाता है। और ऐसे में जो फिल्मी रेस देखने को मिलती है, आय हाय कमाल ही हो गया। ये लड़का इस पुलिस वाले से बचने के लिए अपनी बाइक को आड़ी टेढ़ी फुल स्पीड में जैसे चाहे वैसे दौड़ा लेता है, मगर इसे कहां मालूम कि जहां कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं वहीं उनकी बाइक की पहुंच कहां कहां तक नहीं होगी। एक वक्त पे इन भाई साहब को पकड़ लिया जाता है और फिर टपा टप टपा टप टपा टप। कुछ लोगों को अपनी हरकतों से तब तक चैन नहीं आता जब तक वो अपनी हड्डियों को न तोड़वा ले। इन भाई साहब को देख लीजिए, ये खुद को पार्कर बुलाते हैं और ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं कि भाई साहब देखकर ही फट जाए। अपने स्टंट्स को पूरा करने के लिए इनको बस अच्छी खासी जगह चाहिए होती है जहाँ से गिरने या पड़ने पर इनका पिछवाड़ा ऐसे टूटे कि कभी जुड़े ही ना। इनके इस स्टंट को देख लो, तेज स्पीड में दौड़ कर आया और ये लो दे मारा। ये तो इनकी किस्मत सॉलिड थी कि कोई गलती नहीं हुई या पैर नहीं फिसला, वरना हड्डियों के साथ साथ दांत भी तोड़वा बैठते और डेंटिस्ट भी सोच में पड़ जाता। वैसे आप लोग तो ऐसी पागलपंती मत ही करना गुरु। देखो हमारा तो यही कहना है कि रिस्क और पागलपंती से दूर ही रहें तो अच्छा है, वरना जो ना समझे वो इसे देखकर समझ लीजिए। ये चीता चाहता तो पानी कहीं और से भी पी सकता था, मगर इसे तो वहीं से पानी पीना है जहां इसका मरना लिखा है। इसलिए इस क्लिप को देखकर ये सीखना चाहिए कि फालतू की पागलपंती ना ही करे तो अच्छा है। यो दोस्तों सही है ना? आप इनके जैसे चूल को अपने अंदर पैदा नहीं होने देना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक के नसीब में ऐसी किस्मत लिखी हो। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके ये बताना हमें इस सीरीज को आगे जारी रखना चाहिए कि नहीं। दोस्तों अगर आपको चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी एक से बढ़कर एक वीडियोस हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, वो भी आपकी पसंदीदा फरमाइशों के साथ।